हेलो फ्रेंड्स, देखिए बैंक निफ्टी में एक स्ट्रेटजी बनाएंगे और मंथली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मंथली ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद स्ट्रेटजी बनाएंगे, लेकिन हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये हमारा यूट्यूब चैनल है हेजिंग स्ट्रेटजीज बाय विनय मंडारी, प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल हेजिंग स्ट्रेटजीज, इसमें जरूर जुड़िए। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो hedgingstrategies.in, ये ब्लॉग में आपको काफी एजुकेशन पर्पज के आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहां से आप सीख सकते हैं। यहाँ पे आपको टूल्स भी मिल जाते हैं काफी यूज करने के लिए, स्ट्रेटजी बनाने के लिए टूल्स मिल जाते हैं, तो इनका यूज लीजिए। ओके, तो आप सारे प्लेटफॉर्म में आप हमारे साथ जरूर जुड़िए जिससे मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सकें। ठीक है, ये आ गए हम वेबसाइट में hedgingstrategies.in। जैसे कि आपको यहां पर अगर आप आते हैं hedgingstrategies.in में, ये वेबसाइट है hedgingstrategies.in, आप सर्च करेंगे सर्च बार में आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये हेजिंग एक्सेल एफएनओ स्ट्रेटजी बिल्डर दिया हुआ है, तो इस बिल्डर का हम यूज करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, देख लेते हैं कि अच्छा, यहाँ जाने से पहले सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले हम बैंक निफ्टी में जो स्ट्रेटजी बनाएंगे उसके लिए हम क्या लेंगे, सबसे पहले ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमने क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखिए ऑटोमेटेड ऑप्शन चेन है, यहाँ हम आ जाएंगे। अब ये देखिए, ये ऑटोमेटेड ऑप्शन चेन ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है ये ओपन होने में, तो आप स्किप मत करिएगा कभी भी। यहां पर अगर आते हैं तो यहां थोड़ा सा टाइम लगता है इसे ओपन होने में, ऑप्शन चेन ऑटोमेटेड है। ये देखिए ऑटोमेटेड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन यहां पर दिख रहा होगा आपको। ये आपको देखिए ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। देखिए ये ऑप्शन चेन ओपन हो गया है यहां पर बैंक निफ्टी का। अब यहां हमें क्या पता चलता है, हमारे को आइडिया आता है कि क्या पोजीशन बन रही है, किस साइड क्या पोजीशन बन रही है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। ओके, अच्छा इसमें थोड़ा रिफ्रेश कर लिया करिए इसे, ऑप्शन चेन में अगर आप आते हैं तो एक दो बार रिफ्रेश कर लीजिए तो आपको लेटेस्ट डेटा यहां पर मिल जाया करेगा। अब ये ऑप्शन चेन से देखिए, अगर काफी मैं इसमें डीप जाऊंगा तो काफी आपको कॉम्प्लिकेशन होगा और वीडियो भी काफी लंबा हो जाएगा। देखिए यहां पर जैसे कि हमें दिख रहा है कि किस साइड लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, कहां पर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, पूरा ऑप्शन चेन में हमें समझ में आ रहा है कि लॉन्ग बिल्डअप कहां पर हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप कहां पर हो रहा है, कहां पर शॉर्ट कवरिंग हो रही है, कहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग है, ये पूरी पोजिशन हमें यहां पता चल रही है। तो हम अपना ट्रेड क्या लेंगे, क्या पोजीशन बनानी है, तो ये ऑप्शन मैंने पहले से सेलेक्ट करके रखे हैं, क्या स्ट्रेटजी बनानी है ये मैंने पहले से सेलेक्ट करके रखी है। तो ज्यादा लंबा नहीं करते हुए वीडियो को, मैं सीधे स्ट्रेटजी बिल्डर में चलता हूं। मैं यहां आ गया, देखिए ये स्ट्रेटजी बिल्डर है, यहां पर हम आ जाते हैं स्ट्रेटजी बिल्डर में। अब यहां आने के बाद ट्रेड हमने क्या लेना है उसे समझ लेते हैं सबसे पहले। ये आ गए स्ट्रेटजी बिल्डर में। अब देखिए सबसे पहले काम क्या करना है, हमने बैंक निफ्टी का एक फ्यूचर शॉर्ट करना है। तो यहां हम क्या करते हैं, वन करते हैं स्ट्राइक में, और प्रीमियम अभी करंट प्रीमियम जो चल रहा है वो 33,333 है, और यहां पर मैं डाल देता हूं फ्यूचर। ये फ्यूचर को मेरे को जीरो कर देना है, जीरो कर दिया मैंने फ्यूचर। अब यहां केवल फ्यूचर शॉर्ट नहीं करूंगा मैं, थोड़ा बहुत उसे हैज भी करूंगा, उसे थोड़ा सेफ होने की कोशिश भी करेंगे। 33,000 का मैं इसके साथ देखो फ्यूचर भी शॉर्ट कर रहा हूं, मैं पुट भी बाय कर रहा हूं, पुट का प्रीमियम 1039, ये पुट को मैंने बाय कर रहा है, तो बाय के लिए वन कर लेते हैं यहां पर। आप अगर आएंगे तो इसे सबसे पहले मैं जीरो जीरो कर देता हूं, तो काफी अच्छी तरह समझ में आएगा आपको। लॉट साइज कितना, 25 का लॉट साइज है बैंक निफ्टी का।
देखिए, अगर केवल मैं फ्यूचर शॉर्ट करता हूँ और एक पुट भी बाय करता हूँ, मतलब मैं बहुत बड़ी नेकेड पोजीशन ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा काफी बड़ा लॉस हो जाएगा अगर ऊपर की तरफ जाता है। तो मेरे को क्या है, इसे हेज भी करना है। मैं 32,500 के पुट को, जब मैं 33,000 का पुट बाय कर रहा हूँ, तो 32,500 के पुट 842 प्रीमियम है इसका, इस पुट को मैं शॉर्ट करूंगा। देखिए, शॉर्ट के लिए यहाँ पर हम 0 कर देंगे। केवल एक लॉट शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं इसके 2 लॉट शॉर्ट करूंगा 842। स्ट्रेटेजी थोड़ी लंबी होगी लेकिन काफी बेनिफिट वाली है, जहां पर मेरे को लगता है कि चांसेस कि मिल सकता है कुछ बेनिफिट। अब ये मैंने 2 लॉट शॉर्ट कर दिए हैं, 32,500 का पुट। यही नहीं बनाऊंगा मैं पोजीशन, इसके मैं थोड़ा सा एडिशन और करूंगा। अब इसमें मैं क्या एडिशन करूंगा, अच्छा केवल ये बनाते हैं तो क्या होता है, पहले ये चेक कर लेते हैं। देखिए, अगर ये पोजीशन बना दे तो हमारा जो रिस्क है वो नीचे की तरफ शुरू होता है, कहां से, ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तक हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये स्ट्रेटजी हम बनाते हैं तो। कहां तक, 25,000 तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऊपर हमें 33,800 के ऊपर लॉस शुरू हो रहा है, तो हमें ऊपर की तरफ थोड़ा और ऊपर कवर करना है। हम यहां पर क्या करेंगे, थोड़ा सा और एक इसमें एडिशन करेंगे, 32,000 का पुट हम और बाय करेंगे। 32,000 का पुट 684 में हम ले लेंगे। स्ट्रेटजी थोड़ी सी लंबी बनेगी लेकिन मैं दोबारा से बोलूंगा, चांसेस रहेंगे कि बेनिफिट मिले। और 32,000 का पुट बाय करने के साथ मैं 31,500 के पुट को शॉर्ट भी करूंगा, लेकिन ये मैं एक लॉट शॉर्ट नहीं करूंगा। 546 प्रीमियम है इसका, देखिए मैंने 2 लॉट शॉर्ट कर दिए, सही है। अब ये 2 लॉट शॉर्ट करने के बाद मेरा कहाँ 34,200 तक आ रहा है, सही है, 34,200 तक। यहां पर आपको दिख रहा है 34,200 के ऊपर मेरा रिस्क शुरू हो रहा है अगर मैं 2 लॉट शॉर्ट करता हूं तो। मैं यहां पर 3 लॉट शॉर्ट करूंगा, 546 का पुट, एक लॉट और शॉर्ट करूंगा। अब देखिए, मैं चले गया 34,800 में। अब मैं एक्सपायरी यहां पर 35,500 कर लेता हूं तो थोड़ा सा अच्छी तरह समझ में आएगा। ये देखिए, 34,900 तक मेरे को रिस्क नहीं है। अभी निफ्टी चल रहा है, बैंक निफ्टी कितना, 33,300 के आसपास चल रहा है, 33,300। ऊपर की तरफ मैं 34,900 तक सेफ हूं, और नीचे की तरफ देखिए कहां तक सेफ होते हैं हम, नीचे भी देख लेते हैं। यहां हम नीचे आ जाते हैं, ये देखिए 29,900, 29,800 में भी हमें प्रॉफिट रहेगा, 29,700 के नीचे या वहां पर हमारा लॉस होगा। 29,900 आप पकड़िए, ये जो लेवल है 29,900 तक हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऊपर में 34,900 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये बीच में हमारा इतना प्रॉफिट है। लेकिन ये जो प्रॉफिट है ये एक्सपायरी बेसिस पे प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट ऐसा नहीं कि आज आपने स्ट्रेटजी बनाई और आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। ये धीरे 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 जैसे जैसे प्रीमियम श्रिंक होंगे उस हिसाब से प्रॉफिट आपको मिलेगा, जैसे जैसे टाइम वैल्यू इसका कम होगा, थीटा डीके जैसे बोलते हैं, जैसे कि आप लोग जानते ही है। अब यहां पर हमने देखा क्या कि हमने एक तो फ्यूचर शॉर्ट कर लिया, एक पुट बाय कर लिया, और ये 32,500 का एक पुट हमने, दो पुट शॉर्ट करे हैं, सॉरी 33 का बाय करके दो यहाँ शॉर्ट करिए, 32 का बाय करके यहाँ पर हमने 31,500 के 3 शॉर्ट कर लिए हैं। तो ये स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है, यहाँ पर प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट चांसेस है मिलने के। लेकिन मैं फिर बोलूंगा, इतना प्रॉफिट का वेट नहीं करना है, प्रॉफिट आपको थोड़ा बहुत इनिशियल बेसिस पर भी मिलता है तो भी आप एग्जिट ले सकते हैं पोजिशन से। और ये जो स्ट्रेटेजी है पूरी मंथली एक्सपायरी हमने चूज करी है, यहाँ पर हमने क्या लिया, जो प्रीमियम सेलेक्ट करें वो मंथली सेलेक्ट करें, सही है। तो आप यहाँ पर ये स्ट्रेटजी बिल्डर में जाकर काफी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे इसका यूज लेना है। दोबारा से आप देख लीजिएगा और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चेक करिए कि 4 दिन में क्या फर्क पड़ा इस स्ट्रेटजी में, 10 दिन में कितना फर्क पड़ता है, 15 दिन में कितना फर्क पड़ता है, क्या प्रॉफिट लॉस निकल रहा है, पूरा चेक करते चलिए, तो आपको आइडिया आएगा, तो आपको सीखने को मिलेगा। ऐसे नहीं कि ऐसे ही सीख जाएंगे, ऑप्शन सीखना इतना आसान नहीं है, सीखने में थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है, उसके बाद ही आप काम कर सकते हैं। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसका आप ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर का यूज लीजिए। जितना ज्यादा इसका यूज लेंगे, जितना ज्यादा यहां पर आप स्ट्रेटजीज बनाएंगे, उतना ज्यादा आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, सही है। और यहां पर अगर आप इस साइड जाते हैं तो यहां पर आपको इसका पे ऑफ चार्ट भी मिल जाता है, सही है, यहां पर आपको पे ऑफ चार्ट भी मिल जाता है। ओके, तो आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
आप ये वेबसाइट है hedgingstrategies.in, इसमें विजिट करके यहाँ पर आप काफी कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे स्टॉक्स का ओवरव्यू है, डेल्टा हेजिंग भी मिल जाता है, चार्ट्स मिल जाते हैं यहाँ पर, क्रिप्टो करेंसीज मिल जाती है, फॉरेक्स मिल जाता है, यहाँ पर स्क्रीनर मिल जाते हैं आपको, ऑटोमेटेड इंट्राडे स्क्रीनर है, डर्बस बॉक्स का स्क्रीनर है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटेड इंट्राडे स्क्रीनर पर अगर हम जाते हैं तो भी आप देखिए इस स्क्रीनर का, ये आपको ऑटोमेटिक सुबह बता देगा कि कितने बजे क्या पोजीशन बनी है, 9:30 के आसपास आप इसमें देख सकते हैं, 9:30 के आसपास ये क्या बता रहा है आपको, बाइंग के लिए कह रहा है, सेल के लिए कह रहा है, तो इस स्क्रीनर का भी यूज ले सकते हैं। देखिए थोड़ा टाइम लेता है ये ओपन होने में, सही है, तो इसे थोड़ा सा आप इतना पेशेंस रखिएगा, थोड़ा बहुत यहाँ पर ये टाइम लेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पेट्रोनेट हमें सेल मिला, माइंट्री बाय मिला, जैसे कि सामने यहाँ पर हमें दिख रहा है, और भी हम देखना चाहें तो देख सकते हैं, नीचे की तरफ हम जाते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पर जीएमआर इंफ्रा ये शॉर्ट मिला हमें, एसबीआई लाइफ शॉर्ट मिला, आईजीएल शॉर्ट मिला है, एचडीएफसी लाइफ शॉर्ट मिला है, पीएफसी शॉर्ट मिला है, तो यहाँ पर बहुत से स्टॉक्स हमें शॉर्ट मिले हैं। बाय की तरफ एमएफएसएल, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, बॉस, ये सब बाय की तरफ मिले हैं। ये इंट्राडे स्क्रीनर है, लेकिन मैं हमेशा फिर बोलूंगा आपको कि इंट्राडे मत करो, मत, देखिए हमने स्क्रीनर बनाया उनके लिए भाई, जिन्हें बहुत से लोग रहते हैं जिन्हें इंट्राडे करना ही है, तो उनके लिए है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत वो बेनिफिट ले सकते हैं। और डर्बस बॉक्स का स्क्रीनर देखिए, ये स्क्रीनर यूज करिए, ये स्क्रीनर का यूज करके आप यहाँ पर हेजिंग स्ट्रेटजीज बनाइए। यहाँ पर आर्बिट्राज स्क्रीनर भी मिल जाएगा आपको, स्टॉक पॉजिटिव ब्रेकआउट स्क्रीनर मिल जाएगा। अब ये देखिए डर्बस बॉक्स स्क्रीनर, इसका यूज लीजिए हेजिंग के पर्पज से, केवल हेजिंग के ही हिसाब से हम बोलते हैं कि हेजिंग के हिसाब से। देखिए डिवी स्लैब में पोजिशन बनाई जा सकती है लॉन्ग साइड में, ग्रासिम में लॉन्ग साइड में बनाई जा सकती है, एचसीएल टेक शॉर्ट साइड में, एचसीएल टेक 1000 के आसपास हमें शॉर्ट आया था, आज 906 वैल्यू हो गई है इसकी। आईटीसी शॉर्ट है, देखिए आईटीसी ने फिर से सेल दिया है यहाँ पर डर्बस बॉक्स में भी, हमने तो आपको चार्ट आप देखेंगे पुराना वीडियो तो आपको मिल जाएगा आईटीसी का। तो यहाँ पर कुछ स्टॉक्स बाय साइड दिए हैं, कुछ स्टॉक्स सेल साइड दिए हैं, तो इनका यूज आप हेजिंग के लिए लीजिए, सही है। तो ये डर्बस बॉक्स स्क्रीनर का आप यूज ले सकते हैं। फिर यहाँ पर एफएनओ डेटा है, ग्लोबल मार्केट है, वीडियोज है, कुछ इवेंट कैलेंडर है, इवेंट कैलेंडर का भी यूज लीजिए, ये बहुत जरूरी है इवेंट कैलेंडर देखना। आर्बिट्राज स्क्रीनर है, यहाँ पर आर्बिट्राज स्क्रीनर मिल जाता है आपको, पॉजिटिव ब्रेकआउट मिल जाता है, यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन मिल जाती है, ऑटोमेटेड ऑप्शन चेन निफ्टी बैंक निफ्टी की। और आपको यहाँ पर ब्लॉग में अगर जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए हेजिंग स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी कुछ, ये स्ट्रेटजीज को स्टडी करिए, पढ़िए, जितना ज्यादा पढ़ेंगे जितना ज्यादा सीखेंगे उतना बेनिफिट रहेगा आपका। यहाँ पर भी आपको स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी, स्टॉक्स स्ट्रेटजीज हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ टेक्निकल के चार्ट्स हैं, इनमें भी जाइएगा। यहाँ पर देखिए डाउ पे हमने एनालिसिस कराया, तो वो एनालिसिस कितने हद तक सही रहता है, क्या रहता है, वो चेक करिए, स्टडी करिए, ओके। यहाँ पर डेल्टा हेजिंग है, यहाँ पर भी कैलकुलेटर आ जाएगा बहुत जल्दी डेल्टा हेजिंग का, बाकी डेल्टा हेजिंग पे यहाँ पर आर्टिकल है पूरा कि क्या होता है डेल्टा हेजिंग, इसे भी समझिए, पढ़िए, स्टडी करिए, ओके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, धन्यवाद।